अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास कार्यक्रम है रील पर रियल फीडबैक, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं सोनी लिप्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज अवरोध के बारे में। सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने LOC क्रॉस करके पाकिस्तान की सरजमी पर उरी अटैक का बदला लेते हुए सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस घटना पर निदेशक आदित्य दत्त ने विकी कौशल के साथ सफल फिल्म उरी बनाई थी। अवरोध उसी घटनाक्रम का वेब सीरीज रूपांतरण है। 2 घंटे की फिल्म में अटैक और उसकी प्लानिंग पर फोकस किया गया था, लेकिन 4.5 घंटे की वेब सीरीज में कश्मीर आतंकवाद, उरी हमले की प्लानिंग, सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और फिर अटैक को दिखाया गया है। सरकार में इस तरह के अटैक के लिए निर्णय कैसे लिए जाते हैं, कितनी सारी एजेंसी होती हैं, इन सब पर मुख्य तरह से इस वेब सीरीज में फोकस किया गया है। इसके साथ ही मीडिया के कामकाज को कैसे हाईलाइट किया गया है, कैसे रायसेना हिल से मीडिया के कामकाज को नियंत्रित किया जाता है, यह सब भी जानकारी इस वेब सीरीज में दी गई है। मुख्य तौर पर यह भी दिखाया गया है कि कैसे 2 आतंकवादी ग्रुप अपने प्रमुख के बीच ईगो में रहते हैं और दोनों के बीच कैसे ईगो क्लैश रहता है, वो भी इस वेब सीरीज में बखूबी दिखाया गया है। ये वेब सीरीज राहुल सिंह और शिव अरूर की किताब इंडियाज मोस्ट फेयरलेस के एक चैप्टर पर आधारित है। वेब सीरीज कई अनछुए पहलुओं को सामने लाती है। वेब सीरीज की कमजोरी की बात करें तो वेब सीरीज में देखते हुए बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं होती है एक दर्शक के तौर पर। बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं दिखाया गया है, डॉक्यूमेंट्री के ज़्यादा करीब नज़र आती है। PMO ऑफिस पर शुरुआत के 7 एपिसोड दिखाए गए हैं, अटैक सिर्फ आखिर के 2 एपिसोड में दिखाया गया है। कहानी में विक्रम गोखले प्रधानमंत्री की भूमिका में हैं, हालांकि प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना कई बार उनके जिक्र किया गया है उनके बारे में, लेकिन कई बार उनका बहुत ही ज़्यादा बखान कर दिया गया है। इसके बाद ऐसा लगता है कि फिल्म को किसी प्रोपेगेंडा के दृष्टिकोण से बनाया गया है। फिल्म में कई ऐसे संवाद हैं जिसमें ये कहते हुए दिखाया गया है कि ये एक अलग प्रधानमंत्री है जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ नहीं चलता, बल्कि ये देशभक्त प्रधानमंत्री है। ऐसे संवादों से फिल्म में बचा जा सकता था, लेकिन इन चीज़ों को डाल के ये साबित करने की कोशिश की गई है कि ये एक प्रोपेगेंडा पर आधारित वेब सीरीज है। अभिनय की बात करें तो सीरीज की कास्टिंग बेहतरीन हुई है। इसमें अभिनेता नीरज काबी, मधुरिमा तुली, विक्रम गोखले, अनिल जॉर्ज और अमित साध अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीरीज का लुक काफ़ी अच्छा है। संवाद की बात करें तो वार ड्रामा होने के बावजूद भारी भरकम संवाद नहीं दिखाए गए हैं। हाँ, अनिल जॉर्ज के संवाद में जरूर कश्मीरी भाषा का प्रयोग किया गया है। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही शानदार और सिंपल फिल्म बनाई गई है, जिसे अगर आप देखते हैं तो उरी अटैक की और सर्जिकल स्ट्राइक की बारीकियों को आप आसानी से जान सकेंगे और उनके दोनों पहलुओं के बारे में आप समझ सकेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।